और अपनी ये जर्नी ऐसे ही बढ़ाते रहेंगे बेसिक से लेके एक्सपर्टाइज नॉलेज तक तो हमारे साथ जुड़ने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि जब भी हम नए वीडियोज अपलोड करें आप अपडेटेड रहे और कमेंट सेक्शन में हमारे जो डेली टॉपिक्स कवर होते हैं उन्हें आप प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्ट करके कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली शेयर किया करें क्योंकि जब भी आप कोई कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करने के बाद उसे प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्ट करते हैं तो वो कॉन्सेप्ट आपके माइंड में परमानेंटली सेटल हो जाता है तो कमेंट सेक्शन में आप डेफिनेटली अपने व्यूज आइडियाज भी भी सजेशन शेयर कर सकते हैं तो आज इस सेशन के थ्रू हम एक नया टॉपिक लेने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स का और वो टॉपिक है हमारा गिफ गुड्स क्या होते हैं ये गिफ गुड्स हम इसको समझेंगे पहले अंडरस्टैंड करेंगे कि गिफ गुड्स होते क्या हैं और उसके बाद हम कनेक्ट करेंगे इनको वर्डिक्स के साथ लेकिन समझने से पहले आपके नॉलेज में एक चीज़ और डालना चाहूँगी कि अगर आपको ये सारे छोटे छोटे टॉपिक्स के पीडीएफ कलेक्ट करने हैं या पी चाहते हैं आप तो हमारे इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे जा के आप उन पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं जो कि सबके लिए एसेसिबल है और बहुत ही क्विक होगा आपके लिए ये एज अ रिविजन ठीक है तो चलिए बढ़ते हैं आज हम गिफिन गुड्स की ओर गिफिन गुड्स है क्या तो पहले हम इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं लिंक करते हैं पहले बेसिक से फिर हम समझेंगे जो हमारे गिवन आपको मैंने स्टार्टिंग या प्रीवियस सेशन में बताया कि एक होता है हमारा जो लॉ ऑफ डिमांड जहाँ पे इनवर्स रिलेशनशिप होता है प्राइस ऑफ द गुड्स में और क्वांटिटी में यानी अगर प्राइस बढ़ा तो क्वांटिटी घट जाती है रटना नहीं समझना प्राइस बढ़ा तो क्वांटिटी घट जाती है प्राइस बढ़ा तो क्वांटिटी घट जाती है यानी कि अगर आपके जेब में सौ रुपए है और प्रोडक्ट की कॉस्ट है दस रुपए तो आपने दस क्वांटिटी परचेज की और यही वो दस से बढ़ के बीस रुपए की हो गई यानी प्राइस बढ़ा तो अब आपके जेब में सौ रुपए तो आप कितना परचेज कर पाएंगे पांच क्वांटिटी तो प्राइस बढ़ा तो क्वांटिटी घट जाती है आपको वो याद हो अगर नहीं तो उस डेफिनेटली रिकॉल कर लेंगे क्योंकि उसका बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट पड़ता है गिफ इन गुड्स के ऊपर मैं एक ब्रीफ ओवरव्यू आपके सामने देना चाहूंगी इनकम इफेक्ट का ताकि हम गिफिन गुड्स को बहुत अच्छे से समझ सकें तो गिव इनकम इफेक्ट क्या होता है कि जब कोई प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो बढ़ जाती है जैसे हमारे केस में दस रुपये से बीस रुपए हो गई ठीक है तो प्राइस बढ़ गई तो अब हमारे पास तो सौ रुपए है पहले हम दस प्रोडक्ट करते थे अब हम पांच ही खरीद पाएंगे तो हमारी जो परचेज करने की कैपेसिटी यानी कंज्यूमर की जो परचेज करने की कैपेसिटी वो कम हो जाती है वो दस से गिर के पांच गुड्स पे हो जाती है तो इसको हम क्या बोलते हैं कंज्यूमर की रियल परचेजिंग पावर जो है वो डिक्लाइन कर जाती है तो इनकम इफेक्ट क्या होता है कि जब भी प्राइस फॉल करता है ठीक है प्राइस अगर बीस रुपए से गिर के दस हुआ तो अब आपने दस प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं यानी कंज्यूमर की परचेजिंग पावर बढ़ जाती है हमें ना कई बार स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होता है कि यार प्राइस दिमाग में रखें इनकम रखें क्वांटिटी रखें क्या रखें एक शॉर्ट ट्रिक ये बताना चाहेंगे कि सिर्फ प्राइस और क्वांटिटी के रिलेशनशिप में बात करनी है और बाकी अदर फैक्टर्स को समझ के सेटिस्फाइड रखना है फॉर एग्जाम्पल इनकम इफेक्ट में हमने बोला प्राइज अगर बढ़ा ठीक है सॉरी प्राइस अगर घट गया बीस रुपए से दस रुपए हुआ तो कंज्यूमर की इनकम ऑब्वियसली स्पेंड करने की पावर बढ़ जाएगी अब दस से पांच से ज्यादा वो दस क्वांटिटी परचेज कर पाएंगे ठीक है इफ अब जब भी उनके पास पैसे ज्यादा बच गए उनके परचेसिंग पावर बढ़ गई तो वो ज्यादा क्वांटिटी परचेज कर पाएंगे तो नॉर्मल गुड्स में क्या हुआ कि जब भी आपका जो डिमांड जो नॉर्मल गुड्स हैं ठीक है उसके प्रति उसकी डिमांड जो है बढ़ जाती है नॉर्मल गुड्स के प्रति डिमांड जब बढ़ जाती है जब आपकी रियल इनकम बढ़ती है और रियल इनकम तब कब बढ़ेगी जब आपके प्राइस घटे है ना बीस रुपए से दस रुपए हो गए तो अब आप ज्यादा खर्चा कर पाओगे है ना तो आपकी वही इनकम तो वही है बट आप खर्चा आप ज्यादा कर पाओगे ठीक है तो आपकी रियल इनकम क्या होगी बढ़ गई तो प्राइस घटा प्राइस घटा बीस रुपए से दस रुपए प्राइस घटा आपकी रियल इनकम ऑटोमेटिकली बढ़ गई कुछ अलग से नहीं आया जेब में बट रियल इनकम ऑटोमेटिकली बढ़ गई तो रियल इनकम ऑटोमेटिकली बढ़ गई तो अब आप, आप कितना क्वांटिटी परचेज कर पाएंगे बहुत सारा क्वांटिटी परचेज कर पाएंगे यानी नॉर्मल गुड्स के प्रति आपकी डिमांड क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी प्लीज इसको रटिएगा नहीं समझिएगा और अगर समझने में दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा लेकिन को कमांड करिएगा यहीं के यहीं और इसी वजह से हम आपको बोलते हैं कि कमेंट सेक्शन में आप इनको एक प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्ट कर लें ताकि ये परमानेंटली माइंड में सेट हो जाए ठीक है तो ये था हमारा इनकम इफेक्ट मैं आपको फिर एक रिकॉल कराना चाहूंगी एक और कॉन्सेप्ट जिसका नाम है सब्सटीट्यूशन इफेक्ट ठीक है सब्सटीट्यूशन इफेक्ट क्या था कि जब भी एक कोई गुड है सपोज एक्स गुड है जिसकी प्राइस जो है गिर जाती है ठीक है बीस रुपए से दस रुपए हो जा रहे ठीक है तो वो चीपर हो जाता है <coughs> चीपर यानी सस्ता ठीक है तो फॉल इन प्राइस ऑफ गुड एक्ट मेक इट चीपर ठीक है उसको सस्ता हो जाता है बट वो चीपर सब्सटीट्यूट से कंपेयर अगर हम करें तब भी वो सस्ता रहता है ठीक है तो कंज्यूमर क्या करेगा कंज्यूमर स्विच करेगा गुड एक्स की ओर ठीक है तो गुड एक्स की डिमांड क्या हो जानी है बढ़ जानी है ठीक है तो सब्सटीट्यूट इफेक्ट तब आता है जब आपके बहुत ही क्लोज सब्सटीट्यूट हो आई होप आपको गुड्स क्या होते हैं वो क्लियर होगा अगर नहीं है ना तो एक वीडियो सेशन में कवर किया हुआ उसको डेफिनेटली कवर करें क्योंकि एक ही वीडियो में मैं सारे टॉपिक्स को कवर नहीं कर सकती इसीलिए आपको हर छोटे छोटे टॉपिक को डिफरेंटली कवर कराती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्ट करो ताकि जब मेन टॉपिक को डिस्कस करें और जहां पर वो पुराने वर्ड्स भी आपके यूज हों तो आपको समझने आ,

और जिसकी वजह से गुड एक्स की तरफ बढ़ गया तो गुड एक्स की क्या हो गए डिमांड बढ़ गई ये कभी हो सकता है जबकि प्रोडक्ट्स का क्लोज सब्सटीट्यूट अवेलेबल हो ठीक तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर तो हो गया ठीक अब हम स्विच करते हैं हमारे मेन टॉपिक की ओर जो है गिफ गुड्स इसका मतलब कि गिफ गुड्स को समझने के लिए आपको पहले लॉ ऑफ डिमांड और आपका नॉर्मल गुड्स एंड सब्सटीट्यूट गुड्स ठीक है इनकम इफेक्ट और सब्सिट्यूशन इफेक्ट क्लियर होना चाहिए ठीक है तो गिफिन गुड्स क्या होता है कि जब भी किसी प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ जाती है जैसे हमारे स्टेबल में आप देखेंगे प्राइस वन से बढ़ के प्राइस टू पे चला गया तो जब भी प्राइस बढ़ जाती है तो क्वांटिटी जो डिमांड है वो भी बढ़ जाती है तो देखते हैं हम क्या ये स्ट्रेट लाइन ऐसे मूव करता है कि प्राइस बढ़ गया तो क्वांटिटी डिमांड भी बढ़ गया तो ये होता है हमारा गिफ गुड्स ठीक है गिफ गुड्स जो है पीपल मोर कंज्यूम पे प्रेफर करते हैं विद द प्राइस राइज यानी प्राइस बढ़ भी गया तब भी वो उसे मोर कंज्यूम करने का बिलीव रखते हैं तो ये हम देख रहे हैं अपवर्ड स्लोपिंग हमें दिख रहा है डिमांड का ठीक है तो ये अपवर्ड स्लोपिंग है तो आप देखिए ये बिल्कुल अपोजिट है आपके लॉ ऑफ डिमांड से ठीक है एक इसका एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं गिफिन गुड्स का एग्जांपल क्या है कि सपोज एक लो इनकम ग्रुप है एक लो इनकम फैमिली है जिन जो दो प्रोडक्ट ही मेनली कंज्यूम करते हैं ब्रेड एंड मीट मीट तो आपका एक लग्जरी आइटम है तो अगर देखा जाए और एक्चुअली में वो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव होगा कंपेरिटिवली अगर ब्रेड की डिमांड प्राइस बढ़ जाती है ब्रेड तो आपका दस रुपए से बढ़ के पंद्रह रुपए में हो जाता है ब्रेड की कॉस्ट आपकी बढ़ जाती है अब कॉस्ट बढ़ गई तो आपकी रिलेटिवली रिलेटिवली डिस्पोजल इनकम रियल इनकम जो है वो कम हो जाएगी ना पॉकेट में वही है सौ रुपए है तो अब रिलेटिवली आपकी जो डिस्पोजल इनकम है रियल इनकम है वो ऑटोमेटिकली दस रुपए से पंद्रह होने की वजह से गिर जाती है ठीक क्या होता है कि अब आपकी जो डिस्पोजल इनकम है वो कम हो गई तो वैसे भी आप जो अब मीट है वो कम ही परचेस कर पाओगे ठीक है तो अगर आपने मीट कम परचेज करा तो अब आप क्या करोगे कैलोरीज या अपनी डाइट को मेंटेन रखने के लिए आप ब्रेड का कंजप्शन बढ़ा दोगे ताकि आपको कैलोरीज या आपका स्टमक इनफ फुलफिल हो सके तो इसका मतलब क्या है भले ब्रेड का प्राइस से बढ़ के पंद्रह हो गया हो तब भी ब्रेड की डिमांड इस सिचुएशन में बढ़ जाती है इस सिचुएशन में बढ़ जाती है तो गिफ एन गुड्स क्या हुआ कि अगर ब्रेड कंटिन्यू टू राइज कर रहे हैं उनके प्राइस में ठीक है और उनका डिमांड जो है इवेंचुअली जो है वो फॉल करता है बिकॉज पुअर वर्कर जो है वो एक लिमिट के बाद एफोर्ड नहीं कर पाएगा बट इनिशियल स्टेज पे वो इंक्रीज करता है ठीक है है तो हमने डायग्राम में भी उसको कनेक्ट किया है। ऐसे ही आप अपनी डेली लाइफ या कोई भी प्रैक्टिकल लाइफ से गिफ गुड को डेफिनेटली कनेक्ट करें ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट है जिनको अगर आपने एक बार क्लियर कर लिया ना तो वो आपको कमांड हो जाएगी तो बहुत ही छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको शायद से कनेक्ट ना हो रहे हो एक आपका रियल जो आपकी अमाउंट है रियल इनकम है कंज्यूमर की स्पेंड करने की कैपेसिटी वो क्या होती है डिस्पोजल इनकम क्या होती है यानी जो आप खर्च कर सकते हैं दूसरा आपका लॉ ऑफ डिमांड तीसरा आपका इनकम इफेक्ट एंड सब्सटीट्यूशन इफेक्ट तो इसको आप कनेक्ट करें अपनी डेली लाइफ के साथ और आई होप आपको गिफिन गुड्स का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो चुका हो अगर आपको इस वीडियो से कोई भी मदद मिली हो तो प्लीज कंजूसी नहीं करेंगे लाइक करेंगे और शेयर करेंगे मैक्सिमम स्टूडेंट्स को बेनिफिट करने के लिए और हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहेंगे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को क्लिक करेंगे ताकि जब भी हम नए वीडियोस अपलोड करें आप लेटेस्ट अपडेटेड रहें कमेंट सेक्शन में प्रैक्टिकल लाइफ से डॉट्स को कनेक्ट करें और शेयर करें हमारे साथ ताकि हम आपको हेल्प कर सकें कि क्या आपने कॉन्सेप्ट सही में जो एग्जैक्टली exactly कन्वेड है वो कवर हुआ है या नहीं हुआ है तो ऐसे ही चलते फिरते छोटे छोटे वीडियोज के थ्रू आप इकोनॉमिक्स के एक्स एक्सपर्टाइज गेन कर सकते हैं उसके लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें और लर्न करते रहें मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ एक नए छोटे वीडियोस के साथ टिल देन टेक केयर बाय